देखिए, चार राज्यों में तो मेरा स्वयं का अनुभव है, 8 दिन रह के अभी छत्तीसगढ़ से आया हूँ, मिजोरम नहीं गया, 2/3 से ज़्यादा मोहम्मद से छत्तीसगढ़ में, लगभग थोड़ा इसी के आसपास मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बहुमत के साथ, और तेलंगाना का भी कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि शून्य पे बीजेपी चली जाए, और हम चार राज्यों में अपने दम पर सरकार बना रहे हैं। मिजोरम में हो सकता है हमें मिलीजुली सरकार बनाना पड़े, अपने जो हम ख्याल लोग हैं बीजेपी के विरोधी हैं, छोड़ के आए हैं, तो उनके साथ बनानी पड़े। पांचों राज्य में बीजेपी चुनाव हारेगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी। मीडिया जी ने अभी अपना ये स्टेटमेंट दिया है, ये चुनावी सभा को संबोधित करते हुए, मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूँ, अपने आप को काला कौवा बताया? अब मैं नहीं जानता, हमारे सब के यहाँ तो बड़ा अपशगुन माना जाता है काला कौवा। पिछली बार हमारे साथ थे, हम हार गए पार्लियामेंट में, अब वो भाजपा के साथ हैं, सुबह सुबह बैठ गए होंगे मुडेर पे, तो अगली बार भाजपा का सफाया होगा, हो सकता है, क्योंकि मैं उन्हें काला कौवा नहीं कह रहा हूँ, वो खुद अपने को कह रहे हैं। तो मैंने उत्तर प्रदेश जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ काला कौवा सुबह बैठ जाए अगर तो लोग कहते हैं कि कुछ अपशगुन होने वाला है। तो हमारे साथ थे तो दोनों गए, दो बार हारे, अब भाजपा के पास गए, भगवान करे उनका ये हुनर उन पर काम आए और अब की वो हारे। सर, कांग्रेस की राम भक्ति को बीजेपी काल नहीं बता रही है, काल नहीं का लोग हैं, काल नहीं बता रही। देखिए, मैं बता दूं, धर्म सबकी व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। कांग्रेस, मैं बोल रहा हूँ, सनातन मानता हूँ, हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, और भगवान राम को मैं पूजा करता हूँ, मेरे घर में राम मंदिर बना है, लेकिन ये मेरी आस्था का सवाल है, राजनीति का नहीं। भारतीय जनता पार्टी की आज स्थिति ये है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कतर जैसा छोटा सा देश 8 लोगों को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दे, लद्दाख में चीन हमारी चौकियों पे कब्जा कर ले, हमें ना आने दे वहाँ पे, उस समय क्या इन सब मुद्दों पे वो बोलेंगे, क्या मणिपुर पे बोलेंगे? तो वो धर्म का सहारा ले रहे हैं अपनी सारी असफलताओं को छिपाने के लिए, और जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नाम ले रहे हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा मानते हैं, राजनीति में मर्यादा का इस्तेमाल ठीक नहीं। और आज मोदी जी असफल हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, RSS कह रही है, उनका मुखपत्र कह रहा है ऑब्जर्वर, कि सिर्फ मोदी के चेहरे से काम नहीं चलेगा, अब हमें कुछ और चिंतन मनन करना होगा। तो मोदी मैजिक फेल हो गया, अब उल्टा पड़ रहा है, कोई काला कौवा आ गया है तो और मैजिक फेल हो गया है।